नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं जो फैसला आया है वो फैसला क्या है, क्या आपको होली पर अब पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप ज़रूर देखें, तभी जाकर के आपके समझ में आने वाला है कि आपको किसको और कितनी और कब से पेंशन मिलेगी, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ ऐसी अपडेट बहुत कम आती है। ये अपडेट आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आप जी जान लगा करके इस वीडियो को देखना है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि आपको फाइनली है सुप्रीम कोर्ट से फैसला है वो कब से आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की डेट्स है वो कब है, हमारे EPS 95 पेंशनरों की जो चार सूत्री मांगों को लेकर के, चार सूत्री मांगें कब पूरी होगी कब नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगी। आपके खातों में पेंशन कब से आना शुरू हो जाएगी वो भी आपको पूरा की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रखते हैं कि यार, हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। वैसे तो मेरे को पता है कि आपने सपोर्ट किया, तभी तो लाखों लोगों की ये जो टीम है हमारी बन चुकी है। लाखों लोग हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि दोस्तों, मैं जो आपके लिए हमेशा अपडेट लेकर के आता रहता हूं, और जो अपडेट मैं लाता हूं वो एकदम सही अपडेट होती है, और कोई मतलब एटीट्यूड वगैरह कोई नहीं है। आज कम से कम 2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ पेंशन के टॉपिक पर, और किस रीज़न से मैंने चैनल पेंशन के टॉपिक पर स्टार्ट किया वो आपको पता ही है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब एटीट्यूड वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं स्टूडियो में जो भी सामान है ऐसे ही पड़ा है, बस कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ों पर फोकस नहीं रखता हूँ कि सामान को सही रखें, ऐसे रखें वैसे रखें, बस इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस नहीं रखता हूँ मैं यही फोकस रखता हूँ कि अपडेट क्या आई है और आगे मैं कैसे शेयर करूँ इस अपडेट को, कैसे मेरे जो जितने भी लाखों सब्सक्राइबर हैं उन तक कैसे पहुंचाऊं इस अपडेट को, बस यही सोचता रहता हूं मैं। ये सोचता रहता हूं कि आज ये अपडेट आई है तो इस अपडेट को सही तरीके से मैं आपके सामने पेश करने की सोचता रहता हूं। दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि यार, आप में इतने लाखों लोगों के सामने बोलने की हिम्मत तो है ना, बाकी लोगों के बोलना भी बंद हो जाता है, हिम्मत भी नहीं रहती है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन शुक्रिया है, धन्यवाद है आपको कि आप इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बस एकदम मेरी लाइफ स्टाइल के अनुसार ही मैं अपडेट देता हूं। अगर आपको यार बुरा लगे तो आप माफ़ कर देना, आप मेरे माता पिता के समान हो। सभी बुज़ुर्ग हैं जो मेरे माता पिता के समान हैं, क्योंकि जो मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं चेक करता हूँ, एनालिसिस जा कर के देखता हूँ, वहाँ पर तकरीबन 50 साल से ऊपर के लमसम लोग हैं, सभी 40, 45, 50, 60, 70 यहाँ तक कि 75, 80 साल के भी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। 80 साल के अगर लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो माता पिता के समान ही है सारे के सारे। तो उनके सामने मैं क्या एटीट्यूड करूँ, क्या और करूँ, कुछ नहीं, बस मैं मेरा फेस दिख जाए, बस लोग इतना ही कमेंट करते हैं कि आज सर आपका फेस दिख जाए और आपकी जो वॉइस है वो आपकी आ जाए, बस आपका फेस टू फेस बात, इससे लगता है कि पाउंडेरू से स्पीड नेटवर्क से हमने बात कर ली और ये आज की ताज़ा अपडेट है, आगे शेयर कर देते हैं सर तुरंत, वाकई में दिल जीत लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल जीत लेते हैं, और वो लोग कमेंट करते हैं, आज जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से वो लोग कमेंट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि एक दो बार कमेंट कर दिया और चलो फ्री हो गए, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग हैं जो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, क्या नाम लूँ सभी का, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इसके आपको तहे दिल से धन्यवाद है, या अंदर से दिल से आपको धन्यवाद है। दोस्तों, क्या अपडेट है पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप फेस टू फेस आ जाया करो सर, तो ऐसा लगता है कि आपसे बात हो गई और वॉइस आवाज़ आपकी होनी चाहिए,
क्या कि मैंने एक दो बार संसद में कुछ पेंशनरों के लिए जो चर्चाएं हो रही थी उस पर वीडियो डाल दिया था, तो लोग कमेंट करने लगे कि सर आपकी आवाज़ आएगी तो ही हम मानेंगे, ऐसे हम मानने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी। तो उस दिन से मैंने सोचा कि चलो हम, मैं चाहे कैसी भी स्थिति में हूँ, कैसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं मेरे चैनल पर हमेशा मैं ही आऊँगा, हमेशा मैं ही आऊँगा मेरे चैनल पर। तो ये दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो छोटा सा मैसेज आ रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जो तीन तीन जज हुए हैं वो फैसला ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो फैसला आने वाला ही है, ज़्यादा दूर वो फैसला नहीं रहा है। अब आपको जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग नए जुड़े हैं, इनको पता नहीं है कि क्या खुशखबरी है। ये जो नए पेंशनर आ रहे हैं, मतलब कि इतने दिन 65 लाख पेंशनर थे, इतने दिन 65 लाख पेंशनर थे, वो तो वो 70 लाख पेंशनर हो चुके हैं। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 4 सूत्रीय मांगे हैं, मांगों का सभी को पता है, 4 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें हमें पेंशन 7500 मिलनी चाहिए प्लस साथ में DA मिलना चाहिए, ठीक है। और एक बड़ी मांग ये है, उसके बाद में एक बड़ी मांग ये है कि जो पेंशनर, जिन पेंशनरों ने इतना योगदान दिया, इतना देश के लिए सब कुछ किया, उन पेंशनरों को इस योजना में जोड़ना, सबसे बड़ी बात यह है, इस योजना में जोड़ो उनको और पेंशन दो उनको, उनको इस योजना में जोड़ना है और पेंशन देना है, सबसे बड़ी बात यह है। और साथ ही में दोस्तों कुछ लोगों को पेंशन 5000, 9000, 8000, 7000, 4000, 2000, 1000 यहाँ तक कि 750-700 रुपये पेंशन मिलती है, तो मुख्य रूप से उन लोगों को पेंशन 7500 प्लस DA दिया जाए। ये बात दोस्तों हम कहने वाले थे और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट है वो चर्चाएं करने लग चुका है कि अब होली पर पेंशन इन लोगों को किस प्रकार और कैसे दी जाए, क्योंकि EPFO से आंकड़े ले लिए हैं। EPFO आंकड़े क्या दिए, EPFO ने आंकड़े, वो मैंने पीछे वीडियो बना दिया, आप जाकर के ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट है वो अब जल्दी एक्शन लेने वाला है, जल्दी फैसला लेने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास में एक सच्ची और अच्छी अपडेट पहुंच सके, क्योंकि मैं विश्वास के साथ में क्वालिटी मंद वीडियो देता हूँ, साथ ही मैं दोस्तों फेस टू फेस वीडियो देता हूँ, तभी लाखों लोगों का भरोसा आज हमारे चैनल पर बना हुआ है। बस दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।